अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिस्टर एम्पलीफायर के एक न्यू एपिसोड में वेलकम करता हूँ आपको। आज की वीडियो में एक माइनिंग एप्लीकेशन शेयर करूँगा। ये माइनिंग एप्लीकेशन काफ़ी टाइम से मेरी नज़र में थी, तो मैं अच्छा टाइम देख रहा था कि इसके अंदर चीज़ें, मैं इसकी बेसिकली चेक कर रहा था, बैकग्राउंड चेक कर रहा था और कुछ इस तरह से जो इसका फ्लो है वो चीज़ें देख रहा था कि ये प्रोजेक्ट शेयर करने के काबिल है या नहीं। तो अब मुझे लग रहा है कि शेयर करने के काबिल है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और इसकी अच्छी चीज़ ये भी है कि ये जो काइन हम माइन करेंगे ये सेल भी हो रहा है। एक काइन 4 रुपये का सेल हो रहा है। अनऑफिशियल जो सेलिंग होती है, जैसे पाई सेल होते हैं, ये 4 रुपये का सेल हो रहा है। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। इसका माइनिंग का प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, वो आपने समझ लेना है। कोई इस तरह से काम नहीं है कि एक क्लिक करेंगे तो माइन हो जाएगा, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चैनल पर नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट पर बात करनी है अभी, और जितने प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी मैंने बताए हैं तो उनकी अपडेट्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे शेयर करनी है। तो प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएटेड है, क्रिप्टो माइनिंग ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर ही आएंगे। तो चलें करते हैं बात आज की माइनिंग एप्लीकेशन की। तो जाना है प्ले स्टोर पर, जाने के बाद आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है ज़ियूस नेट माइनर। ये एप्लीकेशन है, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। उससे पहले मैं आपको इनका ट्विटर हैंडल दिखाना चाहता हूँ कि इनके ट्विटर के क्या हालात चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ट्विटर के अंदर इनके पास 16K की फॉलोइंग अवेलेबल है, तो फॉलोअर्स कम है एज सच। अगर हम देखें इनका ज्वाइनिंग डेट देखें तो जुलाई 2023 की है, बहुत टाइम से ही इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो लेकिन फॉलोअर्स इनके इतने कम है, ज़्यादा नहीं है। और देख सकते हैं अपडेट वगैरह ये करते रहते हैं, यहाँ पे है तो एक्टिव है। यहाँ पे इनकी KYC वगैरह भी कोई आ गई हुई है, तो चीज़ें चल रही हैं इनका, यानी सेटअप वगैरह, ये यानी छुपे रुस्तम ही हैं। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है प्रोजेक्ट, तो वो लगे हुए हैं, यानी अपना ये अपना प्रोजेक्ट को आगे लेकर जा ही रहे हैं। लेकिन हमने देख लिया इसको, तो हम इसे ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के लिए आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल है, ईमेल आपने अपनी डाल देनी है, अपना फुल नेम लिखना है। फुल नेम वो लिखिएगा जो आपके आईडी कार्ड पे हो, स्पेलिंग बिल्कुल सही रखिएगा तो बेहतर होता है, क्योंकि बाद में मसला आ जाता है। कंट्री सेलेक्ट करनी है आपने, जहाँ से भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी हैं आप वो सेलेक्ट करें। उसके बाद पासवर्ड आपने अच्छा सा यहाँ पे लिख लेना है, और इनवाइट कोड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनवाइट कोड आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको इनवाइट कोड, या पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, और आपको व्हाट्सएप में तो मैं आपको देता ही रहता हूँ, इनवाइट कोड वहाँ पे मिल जाएगा, आप वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देना। तो ये चीज़ें मैं जल्दी से कर लेता हूँ और इसको सेटअप करता हूँ। जैसे रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली शो कर देगा रजिस्टर हो गया। उसके बाद आपने अपना लॉगिन कर लेना सिंपल से। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपको मिल रहा है बैलेंस आपका, तो ये बैलेंस मिल गया है, और ये आपका इनवाइट लिंक भी होगा, आप इधर से इनवाइट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे इनवाइट लिंक ये है, तो मेरा कोड जो होगा वो ये होगा, आपको वीडियो के अंदर भी मिल रहा है ये कोड, आपने वहाँ पर उस सेक्शन में डालना है जो वहाँ मैंने आपको दिखाया, तो ये आपने डाल लेना है। वैसे मैं आपको शेयर कर दूंगा, इतनी मसले की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे माइनिंग का प्रोसीजर मैंने आपको कहा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हमने देखना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, मेन्यू पे चलते हैं, और KYC वेरिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है, हम KYC वगैरह इसकी कर सकते हैं। KYC की जो अपडेट होगी वो मैं आगे बताऊँगा, इस वीडियो में नहीं बता रहा, इसमें सिर्फ ज्वाइनिंग का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो अगर KYC पे अगर हम आ गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन की पिन यहाँ पे हमें सेट करनी होती है, कि जब भी हमने ट्रांजैक्शन करनी है तो एक पिन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, 6 डिजिट्स की पिन होगी तो वो लगानी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन की मैं बात क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जो माइनिंग हमने करनी है वो एक ट्रांजैक्शन की बेस पे होगी। माइनिंग बटन हमारा तब भी इनेबल होगा जब हम एक ट्रांजैक्शन करेंगे। पहले एक ट्रांजैक्शन यानी हमने अपना बैलेंस में से कुछ थोड़ा सा यानी हिस्सा जो है ना वो किसी को शेयर करना है, किसी को शेयर करेंगे तो फिर माइनिंग होगी। तो ये ट्रांजैक्शन पिन उस चीज़ के लिए काम आएगी। तो उसके बाद ये चीज़ होगी है माइनर लेवल के अंदर, हम देखें तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स मिल जाते हैं कि इतने आपके रेफरल्स वगैरह जो होंगे तो आपको क्या लेवल मिल जाएगा, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे
फीडबैक के जाते हैं, यानी आपके पास इशू आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। टीम में जाते हैं तो आपकी टीम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग जब आ जाओगे तो मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मैं आपको यहाँ पे पिंग वगैरह भी करता रहूँगा कि आप माइनिंग स्टार्ट कर लें। तो अभी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। वैलेट पे चलते हैं। तो वैलेट के अंदर ये है, वैलेट आपकी ये मेन चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस मिल जाएगा। ये एड्रेस जो है ये आपका यूनिक एड्रेस है अकाउंट का। तो एड्रेस हमारा पास कहाँ पे काम आएगा, माइनिंग के लिए। ये एड्रेस जो है बेसिकली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एड्रेस आपके साथ ये एड्रेस भी शेयर होगा जब आपने माइनिंग करनी है। आपने थोड़ा सारा जो टोकन वगैरह हैं वो आपने शेयर करने होते हैं माइनिंग के लिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कि KYC करें फर्स्ट। तो KYC करनी है हमने। तो KYC अब मैं चाहता नहीं था कि इस वीडियो में करूँ, लेकिन चलें हमें वो कह रहा है KYC करें तो कर लेते हैं। KYC सेंड वेरिफिकेशन कोड, तो ये वेरिफिकेशन कोड आ जाता है तो हम इसको लगा लेते हैं जल्दी से। अच्छा जी, ईमेल वेरिफिकेशन आपने कर लेनी है। ईमेल के ऊपर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगी पिन, ये आपकी पिन है। तो ये पिन मैंने ऑब्वियसली अपनी हाइड की होगी वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिकली ऊपर की तरफ आपको पिन देखने को मिल जाएगी। ये ट्रांजेक्शन पिन है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे ये पिन आपको काम आएगी। ये पिन आपने कहीं पे सेव करके रख लेनी है क्योंकि डेली ट्रांजैक्शन इसमें करनी पड़ती है। मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर माइनिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें डेली ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी जब भी हमने माइनिंग करनी है। किसी को हमने थोड़े से अपने ज़ियोस जो नेट हम टोकन इसके अंदर माइन करें वो हमने सेंड कर देना है। किसी को क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा, किधर आपने सेंड करना है सारा प्रोसीजर बताऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, नीचे क्या, नीचे आपको वो वेरिफिकेशन कोड देने को मिलेगा जो आपने ऐप के अंदर लगाना है। ये मैंने वेरिफिकेशन कोड लगाया और उसके बाद क्या ऑप्शन आया मुझे ऐप के अंदर वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ओके जी, अब एप्लीकेशन के अंदर मुझे क्या दिखाने देखने को मिल रहा है। मुझे कह रहे हैं कि अपना एड्रेस ऐड करें, जो आपका एड्रेस है वो आप ऐड कर दें, सिटी ऐड कर दें, प्रोविंस जो है आप किस सूबे में रहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर दें, जिप कोड अपने जो भी है आपका, बेसिकली आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ का आप जिप कोड सर्च कर लें गूगल पे, मिल जाएगा आपको, तो ऐड कर दें यहाँ पे। जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपने बिल्कुल करेक्ट डालनी है क्योंकि अगर KYC का यहाँ पे कोई ऑप्शन आता है तो ये मैच करना चाहिए आपके आईडी कार्ड के साथ, तो आपने ये बिल्कुल ओरिजिनल डालनी है। चले मैं ये जल्दी से डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ओके जी, उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। साहब लोग इनका पहले सिटी सेलेक्ट कर भी दी, अब कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। नंबर ऐड करना है, नंबर चले ऐड कर लेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इनको मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पता भी है, मेल पे आ भी गया, फिर भी हमें दोबारा ऐड करने को कहा जा रहा है। चलें बहरहाल करते हैं ऐड, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे चले जाना है। तो ये चीज़ें कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ गया है हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए, हमने या तो आईडी कार्ड लगाना पड़ेगा या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। मैं यहाँ पे आईडी कार्ड को ही प्रेफर करूँगा क्योंकि बाकी चीज़ें जो दो होती हैं वो अक्सर लोगों के पास नहीं होती। तो आईडी कार्ड हमारे पास बना हुआ स्मार्ट आईडी कार्ड सबके पास ही होता है, तो आप लोगों ने ही लगा लेना है। ये चले आप आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करनी है तो कर लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है अपना आईडी कार्ड नंबर दे दें, तो आईडी कार्ड नंबर दे देते हैं। अच्छा जी, सिर्फ हमने डाला है अपना आईडी कार्ड नंबर, इसने कोई पिक्चर वगैरह नहीं ली। तो अब अंडरवेज वाले जो हैं वो टेंशन ना लें क्योंकि आपको पता है आपका बेफॉर्म के ऊपर आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है, वही आप ऐड करके चेक कर लें तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक औरत आ गई है, तो इस तरह की हमने फ़ोटो बनानी है, इस तरह की नहीं, बेसिकली हमने अपनी फ़ोटो बनानी है, नॉर्मल पोज लेना है और हमने टेक अ पिक्चर पे क्लिक करके और अपनी एक पिक्चर यहाँ पे इसको दे देनी है। चलें जी, अब वो कर लेता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ये वो फ़ोटो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, वो इनकी चली गई है, यानी चेकिंग में चली गई है, रिव्यू होगा उसका। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ गया स्माइलिंग का, यानी हमने इस बहन की तरह दांत निकाल के और अपनी फ़ोटो इनको खींच के देनी है। बेसिकली जो आइस में हमने किया था वही चीज़ें हमें करनी पड़ी हैं। चलें जी, अब दोबारा तस्वीर दे के आते हैं इनको।
ओके जी, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी ये यानी पेंडिंग स्टेटस जो है, पेंडिंग है क्या है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। KYC आपका लेवल 1 है। बेसिकली हमने सिर्फ आईडी कार्ड का नंबर दिया है और यहाँ पे कोई स्कैन वगैरह नहीं किया, इसलिए लेवल 1 है। आगे जाके ये कोई और ऑप्शन देंगे जिसके अंदर हमें स्कैन करना पड़ जाएगा, तब लेवल वगैरह इंक्रीज़ होंगे। कंट्री शो हो रही है, आईडी कार्ड नंबर शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, और यहाँ पे आपको दो आपकी फ़ोटोएँ शो हो जाएंगी जो आपने इनको प्रोवाइड किए हैं। ये बेसिकली अभी पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये रिव्यू के अंदर चला गया। आप ये वो रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद वो अप्रूव करते हैं KYC या नहीं अप्रूव करते, ये उनको पता है। अब तो कितनी देर लगती है वो भी मैं बता दूंगा वीडियो के अंदर ही। तो KYC होगी फिर ही हमारी माइनिंग होगी, वरना माइनिंग नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बेसिकली हाइड ही होंगी क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें तो आपको नहीं दिखाने वाला। तो बहरहाल अब यहाँ पे हमने होम पे क्लिक करना है और दोबारा हम चले जाएंगे अपने होम टैब पे, क्योंकि पेंडिंग जो स्टेटस है इस पर टाइम लगेगा, KYC कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो हम इसे होने देते हैं, टाइम लेने देते हैं। तो होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट माइनिंग पे अभी भी क्लिक करता हूँ तो ये अभी भी कह रहा है कि अपनी KYC कंप्लीट करें, तो KYC अभी पेंडिंग में है। तो ये अब कितना टाइम लेता है तो वो अब कोई पता नहीं। तो चलें अब इधर वीडियो स्टॉप करते हैं और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, 3 से 4 घंटे के बाद ही मुझे यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन देखने को मिल चुका है। तो 3-4 घंटे लगते हैं और KYC हो जाती है, बहुत जल्दी KYC हो रही है, तो ये अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग पे अभी भी क्लिक करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी माइनिंग। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखें, वो कहता है कि आपने किसी को पहले ट्रांसफ़र करने हैं ZNT। तो यहाँ पे ZNT हमें शो हो रहे हैं, ये एक यहाँ पे शो हो रहा है ZNT। जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे आपको ZNT, एक ZNT मिल जाएगा, उसमें से हमने कुछ हिस्सा हमें सेंड करना है बस। और कहाँ पे सेंड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एड्रेस आपको प्रोवाइड कर दिया होगा इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर ही आपको मिल जाएगा, तो आपने वो कॉपी कर लेना है। तो और वैसे भी आपको मैं एक लिंक भी दूंगा, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा एड्रेस। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने लिंक डाला होता है। तो यहाँ पे आप अगर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी आएंगे तो ये लिंक होगा बेसिकली, और इसके अंदर यहाँ पे ये जो लिंक है इसके अंदर ही आपको एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और ये ओपन करेगा, तो आपके पास इस तरह की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे जहाँ पे ZEUS लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैंने कैटेगरीज वाइज बनाए हुए हैं। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी आपके पास होनी चाहिए। सी वाली जो कैटेगरी है वो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर ज्वाइन करना चाहिए ना करना चाहिए, क्योंकि उसका ज़्यादा अपडेट नहीं होती। इसके बाद ए के अंदर ये हमारे पास ZEUS नेट भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी सेल हो रहा है, 3 से 4 रुपये का ये डिफरेंट प्राइस पे सेल होता है, तो इसलिए ये मैंने ई कैटेगरी के अंदर रखा है क्योंकि इसकी सेलिंग हो रही है, तो अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ZEUS नेट, ठीक है जी। और ये यहाँ पे वैलिड एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आपने कॉपी कर लेना है, ऐसे क्लिक करें और ये कॉपी हो गया। अब अपने ZEUS नेट एप्लीकेशन के अंदर चले जाएँ। सेंड कैसे आपने करना है, मेन्यू पे जाएं, मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोबारा से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे सेंड ZEUS नेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने जो एड्रेस कॉपी किया वो डाल देना है, अमाउंट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या आपने डालनी है। यहाँ से हम इसको पेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर अमाउंट डालनी है, अमाउंट क्या डालनी है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, मिनिमम आपके पास इतनी अमाउंट आप सेंड करें, आपने मिनिमम ही सेंड करनी है, ज़्यादा नहीं सेंड करनी, क्योंकि किसी को आप भेज रहे हैं ना, तो आपने मिनिमम जो यहाँ पे बताई गया उतनी सेंड करनी है। उसके बाद नेटवर्क फ़ी कुछ बताई जा रही है वो हमें लगेगी, ये डेली आपको ये काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, हम कर लेते हैं जो मिनिमम है 0.70 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद एक, तो ये यहाँ पे हम इसको, अब ये हमारा हो गया, अब यहाँ पे हम इसको सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आपकी पिन मांगी जा रही है। तो ये वही पिन है जो आप को मैंने बताया था कि आपकी मेल के ऊपर आई हुई थी, तो वो पिन यहाँ पे अब आपने ऐड कर देनी है। अगर आपने सेव नहीं की, भूल गए हैं, तो फॉरगेट भी आप कर सकते हैं।
तो मुझे तो याद है मैंने सेव कर ली थी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अपनी पिन ऐड कर दिया और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र सक्सेसफुली आ चुका है और ये हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री है, मेरा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो भी यानी यहाँ पे थोड़ा सारा कम हो चुका है, 1 था अब 0.999 समथिंग रह गया, तो ज़्यादा कम नहीं हुआ। डेली का बस आपने बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है, ये कुछ भी नहीं होता, तो ये आपने सेंड करना है क्योंकि इसका इन्होंने प्रोसीजर ही ये रखा हुआ है ना, माइनिंग का प्रोसीजर ही ये है, डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे जाके आप देखिएगा, मैं यहाँ पे अब माइनिंग पे क्लिक करूँगा तो मेरी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस पे क्लिक, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी माइनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ज़ियोसनेट माइन होना शुरू हो गया। तो बेसिकली ये प्रोसीजर है, आपने इसके अंदर करना है और यहाँ पे टाइमर वगैरह आपका लग चुका है। तो मे बी यहाँ पे 24 आवर्स का ही होगा कि माइनिंग आपने करनी है, बाकी जो भी होगा मैं ग्रुप में बता दूंगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा काम है, तो ये आपने कर लेना है। इस नेटवर्क को लाजमी ज्वाइन कर लें क्योंकि ये अभी से पैसे दे रहा है, क्योंकि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। ये अनऑफिशियल सेलिंग, जैसे पाई सेल होता है उस तरह से ये भी सेल हो रहा है, 3 से 4 रुपये का आपके पास। जैसे मेरे पास अगर एक होता तो मैं यहाँ पे 3 या 4 रुपये का मैंने सेल कर देना था। तो ये चीज़ है, ये आप लोग कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लें जल्दी से। और इनिशियल स्टेजेस पे है तो इसके अंदर माइनिंग स्पीड भी फास्ट होगी, अगर आप लेट इसे ज्वाइन करेंगे तो आप इसका फ़ायदा भी नहीं इतना होगा, तो इसे जल्दी ज्वाइन कर लें। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इसी तरह के जो फ्री माइनिंग ऐप्स हैं और एयर ड्रॉप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये ईयर अच्छा है, क्रिप्टो ईयर है, हमने इस ईयर के अंदर प्रॉफिट बुक करते जाना है। तो कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो नहीं तो आपके पास व्हाट्सएप तो है ही है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बस मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।